अस्सलाम वालेकुम पार्क प्लस, मेरा नाम है सुनील मंजर और पार्क प्लस यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो गाड़ी इतनी स्पेशल नहीं जितने हमारे गेस्ट स्पेशल हैं। मेरे साथ इजाज़ असलम साहब मौजूद हैं। कैसे इजाज़ भाई, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। इजाज़ भाई सबसे पहले तो कन्फेशन कर लेते हैं, 92 में आपका ड्रामा आता था चांद ग्रहण, उसका नाम था कशकोल 94, इसमें वो जालिया भी था और जालिया भी था ना, तो तब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। आज फॉलो करते 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 हमने आपको पकड़ ही लिया। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट क्या है, हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा। रिवो है 2021 और बेसिक थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें लगा दी हैं, जैसे सस्पेंशन वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया है। कराची आपको पता है स्पेशली बारिशों के बाद रोड्स का बड़ा बुरा हाल है। सही। सो यहाँ पर इसी तरह की गाड़ी सेफ रहती है। आप देखें कितने झटके और तो आपने 2021 में ये गाड़ी ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस टाइम पे ये गाड़ी अराउंड अबाउट 8 मिलियन प्राइस टैग में थी। मैं 2017 से रेवो जब आई थी, जब से उस पे था तो एवरी ईयर मैं स्विच करता रहा। 18 के बाद फिर शेप चेंज नहीं हुआ, तो अब थोड़ा सा क्योंकि 18 में इंजन चेंज हो गया था। हाँ जी। उसके बाद अब जो है थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आई, थोड़ी सी BHP इसकी बढ़ गई। जी। सो उस वजह से फिर मैंने कहा चलें अपग्रेड कर लें, लेकिन अब जो सिचुएशन है मार्केट प्राइसेस की गाड़ियों की, दैट इज यू नो, अब तो जो जिसके पास है बस है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने सिंगल हैंडली जब आपकी चॉइस थी 2021 में भी, तो इट वाज सिंगल सोल्यूशन के मैंने रेवो ही लेनी है। हाँ, और कोई चीज नहीं थी, बिकॉज मैं वो बाइक राइडिंग भी करता हूँ तो मुझे वो शौक है थोड़ा सा रगेड एंड यू नो थोड़ी सी रफ एंड टफ। कभी जाते हैं दूर राइड्स वाइड्स पे तो फिर ये होता है कि साथ ऑफ रोडिंग का भी बन जाता है, तो साथ गाड़ियाँ चल रही होती हैं सब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सो यू हैव बीन अ रेवो यूजर सिंस 2017। यस। ठीक हो गया। ये मुझे बताइएगा कि आपको इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इज इट अ कंसर्न फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ यूजर, कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूं उसकी फ्यूल एवरेज क्या है, और इफ यस तो क्या एवरेज है? फ्यूल एवरेज तो थोड़ा ज्यादा ही है क्योंकि मेरा जिस तरह का स्टाइल है तो आप देख रहे होंगे सामने 7 आ रहा है, वैसे 9.5 तक आता है, विच इज फाइन। ठीक है। सो शहर में आपको यानी 7-9 आपके लिए मिलती है। लॉन्ग पे भी लेके मुझे तो 7 ही मिलती है। मैं देख रहा हूं, अच्छी बात है, मुझे नहीं आप 7 वाला डिस्प्ले कर रहे हो ड्राइविंग, अभी जो ड्राइविंग है इस पे तो 9 प्लस ही मिल रही है। इस वक्त आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग होती रहे, बिकॉज मैं शुरू में बैठा था, आपने रेस दी थी तो मुझे फील हुआ था, एक तो एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ी आवाज आ रही थी, तो मुझे आया मैं शायद अगली नहीं इसी पे आनी है। मेरे दोस्त बैठते हैं तो इस तरह पकड़ लेते हैं, मैं इसी मैंने ही देखे बैठते साथ ही पकड़ा है। अच्छा, ये बताइएगा कि लॉन्ग टूर्स पे भी ले जाते रहते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग। तो हैंडलिंग में आपको गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशली आफ्टर सस्पेंशन में थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लें अपने हिसाब से उसको, तो काफ़ी अच्छी हैंडलिंग हो जाती है। सो और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी सी गाड़ी की जब हाइट ज़्यादा होती है तो फिर उससे क्लियरेंस व्यू बड़ा क्लियर आता है, तो वो सेफ्टी कंसर्न जो एक होता है ना वो भी आपका रिजॉल्व हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपका विजन बड़ा क्लियर होता है। सही है, आपको एक थोड़ा ऊपर से बड़ा व्यू टाइप मिल रहा है तो इसलिए आप क्लियर रोड नजर आ रही है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल ऐसा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, कहा रोड साफ मिल रहा है। नहीं नहीं, रोड साफ ही है, बल्कि वो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसी लगी? मैं गाड़ी में बहुत दूर नहीं गया हूँ। ठीक है। गवादर तक गया हूँ। सही है, तो सही है बिल्कुल, बट ये होता है कि टायर आपने क्या लगाए हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, टायर बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने तो आपने टायर भी कूपर लगाए हैं? कूपर लगाए हैं, हाँ। ठीक है। सो वैसे अगर ये चीज़ें सारी ना करें, आपने जब स्टॉक भी चलाया है तो कितना डिफरेंस पड़ता है इन चीज़ों से? डिफरेंस ये होता है कि बिकॉज पीछे डाला होता है वो खाली एम्प्टी होता है, मैंने पीछे का बम्पर भी वो हैमर का लगा लिया, तो उसके वेट से वो थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब हमारे दोस्त ने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको गाड़ी चला रहे हैं और आपको लगे ना पीछे छलांगे मार रही है, तो आप इसमें एक 10 किलो चावल की बोरी रखो। हाँ, बोरी रखो और वो बेहतरीन हो जाती है उसके बाद। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार जो रेवो है ना वो थका देती है, आपको भी थकाती थी ओरिजिनल सस्पेंशन में कि नहीं? नहीं, और सस्पेंशन में का मुझे नहीं लगता कोई थकने का उससे ताल्लुक है। हाँ, लेकिन पीछे जो बंदा बैठता है, सही है, तो पीछे स्पेस जो है वो काफ़ी कम है रेवो में। इसकी जो आप मेंटेनेंस वगैरह है टोयोटा की डीलरशिप से कराते हैं? बिल्कुल, मैं टोयोटा से ही मेंटेन हमेशा गाड़ी करवाता हूँ, बिकॉज बाहर एक दफ़ा गाड़ी जाती है तो कुछ नहीं पता होता क्या निकल रहा है क्या लग रहा है। और एक एवरेज जो इसकी ऑयल सर्विस वगैरह वो कितने इंटरवल पे कराते हैं? मैं बाय द मीटर चलता हूँ, 2500 किलोमीटर पे ऑयल चेंज। कार फ्रेंडली आदमी है। अच्छा, 2500 एंड एवरी 2500 एक कॉस्ट अंदाजन क्या आती है इसकी?
अगर आप टोयोटा भेजते हैं तो वही 7-8 हज़ार का ऑयल होता है, फिर फिल्टर 12-13 हज़ार का। अच्छा इजाज़ भाई, आपने वैसे आज से पहले पार्क व्हील्स की कोई सर्विस इस्तेमाल की है, कभी यूज़ करके देखा? पार्क व्हील्स पे मैं एक आध दफ़ा मैंने ली है गाड़ी पार्क व्हील से, और लेकिन मैं एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि एक तो आप जो है ना वो प्राइस का आइडिया आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको अपनी गाड़ी की एवेल्यूएशन करनी है सो आपको वो आइडिया होता है कि यार आपकी गाड़ी की ये माइलेज है अगर, तो ये मेक है और ये उसकी करंट वैल्यू चल रही है, हाँ फिगर पता चल जाती है। आपने कोई गाड़ी बेची भी उसमें? नहीं बेची नहीं मैंने उस पर, मैं यार ज़्यादा मैंने हमेशा टोयोटा या होंडा रखी हैं, तो वो होता ही है कि मैं डीलरशिप से ही डील कर लेता हूँ, तो ट्रेड इन कर लेता हूँ, तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाती है, तो रिस्क मिनिमम हो, क्योंकि होता ही है ना लोग ले लेते हैं गाड़ी पे ट्रांसफ़र नहीं करवाते अपने नाम ओपन, पहले बहुत होता था, अब तो ये वैसे उसके लिए हम लोगों ने हल निकाला है, हम लोगों ने एक सर्विस लॉन्च की है सेल इट फॉर मी की। सो आपकी गाड़ी है, आपको कोई हैसल नहीं लेनी, पार्क व्हील्स की टीम आएगी, वो गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगी, उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाएगी, एड लगाएगी, हमारा कॉल सेंटर कॉल्स लेगा, आपको कोई हैसल नहीं है, किसी को ये नहीं बताना गाड़ी की अच्छाइयाँ क्या हैं बुराइयाँ क्या हैं और ये वो जो सवाल होते हैं। इतनी अच्छी सर्विसेज हो गई, नॉट ओनली कार्स बल्कि उससे रिलेटेड एक्सेसरीज भी मैं देख रहा होता हूँ, नई नई चीज़ें आप लोग ला रहे होते हैं, तो वो आप लोगों का एक कांस्टेंट डेडिकेशन है। तो अगली बारी आपने गाड़ी बेची है तो आपने हमारी सेल इट फॉर मी सर्विस ट्राई करनी, और यूजर अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना नहीं मैं तो आपको फोन करूंगा। हाँ नहीं आप मुझे फोन कर ले, लेकिन यूजर अगर जिनके पास नंबर नहीं है तो वो पार्क व्हील्स की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं iOS और एंड्रॉइड के ऊपर, और उसके ऊपर सेल इट फॉर मी का बटन दबाएंगे और हमारा कॉल सेंटर जो है वहाँ से आपकी गाड़ी की सारी प्रॉब्लम वो खुद ही हल करेगा और खुद ही बेचेगा, और आपको हैसल फ्री जो है ना सेल मिलेगी और एक अच्छी प्राइस पे आपकी गाड़ी बिक जाएगी। अच्छा अभी तो इजाज़ भाई आपकी बाइक का भी शौक देखते हैं, कि मुझे पता लगा आपने बाइक के शौक से लेके वो नाम देखता है राइड के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है आपने, परफ्यूम लॉन्च किया है। एक्चुअली पहले तकरीबन 2 साल पहले मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था इजाज़ असलम के नाम से, जो कि स्किन केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, 2 महीने 1.5-2 महीने पहले हमने परफ्यूम्स लॉन्च किए अपने, तो फिर क्योंकि एज अ राइडर जो है एक राइडिंग का एक पैशन है, तो एक मैंने स्पेशल परफ्यूम डिज़ाइन किया है राइड, जो कि बड़ा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, और उसके पीछे क्या स्टोरी है वो अभी हम बैठते हैं बाइकों के साथ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या थॉट थी मेरी, जो क्या सोच के मैंने राइड लॉन्च किया। बिल्कुल ठीक है साहब, बाहर आके ना एक राउंड हम दोनों इकट्ठे लगा लेते हैं, उसी के साथ बोल रहे हैं बेबी लॉक लगाया, आप बेबी बैठी तो लगाएंगे ना। अच्छा तो ये यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कूपर के टायर आ गए इसमें, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस में और उसमें बहुत फर्क ठीक है। और ये साइड जो है ये यहाँ साहब ने तो ऑटोमेटिक लगाई हुई है, ऑटोमेटिक खराब हो जाती है कराची में क्योंकि वो उसमें मट्टी की वजह से ठीक है। ये हो गया, ये भी सब ब्लैक आउट है, इवन डोर्स आर ब्लैक, और पीछे अगर आए तो आपने ये पीछे लगाया हुआ है, हाँ इससे थोड़ा वेट ऐड हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, और उसकी स्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी इससे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ये भी ब्लैक आउट हुआ हुआ है, ये ऑल ब्लैक आउट है, इधर से भी ये शॉक चेंज लगाए हुए इसमें, ड्रेजर वायर लगाए नॉर्मल ये वो है सेलफोम प्रो ठीक है। और ये कितने के मिलते हैं वैसे आयरन मैन के? हमने क्योंकि सारी गाड़ियों पर मैंने और मेरे रजा जो पार्टनर हमने डाले वो ज़्यादातर वो है किंग्स है। हाँ किंग्स मुझे मिले नहीं, मैंने कोई दुबई में मैंने पैसे दे दिए और वो सब वो 6 महीने तक नहीं मिले, फिर हमने जब से कोविड आया तब से तो 8-8 महीने 10-10 महीने का टाइम है किंग्स का। मेरे पास मैं चलाता था ये अपना रोड ग्लाइड जो कि सबसे बड़ी हार्ले की बाइक ये वाली, और अभी चला रहे हैं आजकल के नहीं? नहीं आजकल काफ़ी अरसे से नहीं चलाई, अभी एक हमने अपनी परफ्यूम की एक्टिवेशन की थी तो आपको वो राइड आ गया। हाँ तो परफ्यूम की एक्टिवेशन की थी तो इसमें हमने ये चलाई थी। अब इसमें कितने आप बताते वो हैं? हमारे वैसे तो 5 वेरिएंट्स हैं, यहाँ पर 2 रखे हार्ले डिस्ट्रिक्ट पे क्योंकि यहाँ पर ज़रा मर्दाना एंट्री ज़्यादा होती है, तो ट्राई करें आप, इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है, कोई अबाउट 10 आवर्स की लास्टिंग है, और दूसरा ये फ्रेश है बिल्कुल, ये एक्वा फ्री है, ये हमारा टॉप सेलर है, सही ये ट्राई करें, ये फ्रेश सेंटर आज के दिन के लिए तो गुजारा हो गया लगाएं दबा के नहीं ये बड़ा इसकी भी ज़्यादा और इसकी पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी है, ये देखें आप ये इस तरह से ये इसके अंदर होता है, ये बड़ी प्रीमियम एक तो लुक उसकी बड़ी अच्छी है, और प्राइस भी बहुत प्रीमियम, प्राइसेस बहुत ही हमने प्राइसिंग पे काम किया था क्योंकि प्राइसिंग पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लोग ज़रा सा भी महंगा हो ना तो उनको चाहिए प्राइस कम हो
लेकिन क्वालिटी वैसी हो जो इंटरनेशनल है, तो उस पर हमने काम किया और उस पर हम काफ़ी सक्सेसफुल रहे बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, सही है। तो उस वजह से हमें, आप ये देखें इसका कैप हैवी है, मेटल है, सो ये बाद में आप एज अ डेकोरेशन या उसके लिए, हाँ बेहतरीन। सो ये एक ब्रांड है, अभी इसमें हम मैं सोच रहा था नेक्स्ट जो है हम कुछ और कस्टमाइज, जैसे अभी हमने ये बनाया की हेयर, हमारे पास बियर्ड क्रीम है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। शैम्पू है, फिर फ्रेगरेंसेस के अंदर मैं कुछ और अभी वर्किंग कर रहा हूँ कुछ और नए फ्रेगरेंसेस के ऊपर। तो अगर किसी ने लेना तो ये ऑर्डर कैसे कर सकते? ये हमारी वेबसाइट है ijazaslam.com, उस पर भी है, और डब्ल्यू बी बाई हिमानी, जो वसीम बदामी हिमानी के जितने आउटलेट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान वहाँ पे भी है, सब जगह अवेलेबल है। और अभी हमने रिसेंटली अमेजोन में USA कनाडा में अमेजोन पे अवेलेबल होगा फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। ठीक है, वैसे हम कोशिश करेंगे, लिंक भी साथ नीचे लगा देंगे, तो यूज़ अगर आपने भी इसको ऑर्डर प्लेस करना तो आप भी कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिद्धों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।